मयपुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। गणेश पंडाल में दिखा चंद्रयान 2 का रोमांच। हैदराबाद में सनूठे किस्म के गणेश पंडाल में चंद्रयान की 23.5 फुट ऊंची प्रतिकृति लगाई गई है और इसके अगले हिस्से में गणेश की 5 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। इस बार सोसाइटी ने जो पंडाल लगाया है उसमें चंद्रयान 2 और इसके लॉन्च व्हीकल के साथ गणेश की 5 फुट ऊंची प्रतिमा भी उसमें लगाई गई है। चंद्रयान 2 की इस नकल की खासियत ये है कि ये लोहे से बनाई गई है और इसे रिसाइकिल भी किया जा सकता है। ये करीब 650 किलोग्राम वजनी है। सोसाइटी ने चंद्रयान 2 को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। जितेंद्र ने एकता कपूर संग किया गणपति विसर्जन। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र के घर पिछले दिनों बड़े उत्साह के साथ गणपति की स्थापना हुई थी। इतने दिनों तक पूजा अर्चना और सेवा आराधना करने के बाद उन्होंने बप्पा को विदा कर दिया। विसर्जन के मौके पर जितेंद्र के साथ उनकी बेटी एकता कपूर भी मौजूद रही। जितेंद्र इस मौके पर ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने नजर आए। आंखों पर उन्होंने काला चश्मा लगा रखा था। एक्ट्रेस साक्षी तंवर भी इस मौके पर यहां मौजूद रही। एकता कपूर ने गणपति बप्पा को विदा करने से पहले उनकी पूजा अर्चना की। हालांकि बप्पा को विदा करने के वक्त यहां पर जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर और पोते लक्ष्य नजर नहीं आए। विसर्जन के वक्त यहां पर एकता कपूर भी जितेंद्र की ही तरह ब्लैक आउटफिट में नजर आई। उन्होंने ब्लैक डेनिम आउटफिट लिया था। विवेक ओबेरॉय ने सह परिवार किया गणपति विसर्जन। बॉलीवुड के कुछ परिवार ऐसे हैं जो हर साल बड़ी धूमधाम से गणपति अपने घर में स्थापित करते हैं। विवेक ओबेरॉय पिछले बार अपने पिता के साथ गए थे और इस बार वो खुद ही जाकर गणपति लेकर आए थे। उन्होंने अपने घर में गणपति की बहुत ही सुंदर प्रतिमा की स्थापना की थी और इतने दिनों से वो सपरिवार गणपति की पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता, पत्नी एवं बच्चों के साथ गणपति की आरती की और उन्हें धूमधाम से विदा किया। विवेक द्वारा गणपति पूजा किए जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आ चुकी हैं। तस्वीरों में विवेक पीला कुर्ता और सफेद पैजामा पहने दिख रहे हैं। उनके पिता सुरेश ओबेरॉय सफेद कुर्ते पैजामे में हैं। विवेक की पत्नी ने ग्रीन गोल्डन रंग की साड़ी और ग्रीन एंड वाइट बीट्स वाला नेकलेस पहना हुआ है। वहीं माँ ने ब्राइट येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है। इंस्पायरिंग वुमन अवार्ड को लेकर ट्रोल हुई आलिया भट्ट। बॉलीवुड सेलेब्स को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। इन दिनों एक्ट्रेस आलिया भट्ट ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। दरअसल आलिया भट्ट को पीपल्स चॉइस अवार्ड के मोस्ट इंस्पायरिंग एशियन वुमेन 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसमें आलिया इकलौती भारतीय हैं। इस अवार्ड के लिए आलिया को नॉमिनेट किए जाने को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोलर्स का कहना है कि आलिया मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन कैसे हो सकती हैं, जबकि देश में ऐसी कई अन्य महिलाएं हैं जिनकी अनगिनत उपलब्धियां हैं। इसे लेकर आलिया ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग हिमा दास और पीवी सिंधु जैसी खिलाड़ियों से आलिया की तुलना कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि हिमा और पीवी सिंधु जैसी महिला खिलाड़ियों ने देश को कई मेडल दिलवाए, लेकिन उन्हें इस नॉमिनेशन में शामिल नहीं किया गया। वहीं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली आलिया इंस्पायरिंग वुमेन बन जाती हैं। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि इनसे कौन सी प्रेरणा मिलती है। फैमिली संग लंदन रवाना हुए अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का जन्मदिन 9 सितंबर को है। अक्षय अपना बर्थडे अपनी फैमिली संग स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसके लिए अक्षय अपनी वाइफ और बेटी नितारा संग लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। अक्षय को शुक्रवार की रात 6 सितंबर को उनकी बेटी और वाइफ के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान अक्षय की लाडली बेटी नितारा अक्षय की गोद में सोती हुई दिखाई दी। एयरपोर्ट पर ट्विंकल खन्ना का कैजुअल लुक दिखाई दिया। लूज टी शर्ट और डेनिम टी शर्ट में ट्विंकल का एयरपोर्ट लुक हिट है। ट्विंकल खन्ना ने अपने लुक को श्रग और स्टोल के साथ कंप्लीट किया। वहीं दूसरी ओर अक्षय फुल ब्लैक आउटफिट में दिखाई दिए। अक्षय ने अपने लुक को ब्लैक स्नीकर्स और हैट के साथ कंप्लीट किया है। वैनिटी फेयर में रेड हॉट अवतार में पहुंची प्रियंका चोपड़ा। वैनिटी फेयर के एक समारोह में प्रियंका चोपड़ा शिरकत करने पहुंची थी। इस इवेंट में देसी गर्ल ने काफी धमाकेदार एंट्री मारी है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर हर जगह प्रियंका चोपड़ा ही छाई हुई हैं। वैनिटी फेयर के इवेंट में प्रियंका चोपड़ा बेस्ट ड्रेस्ड 2019 का खिताब लेने पहुंची थी। यहाँ मजेदार बात यह है कि ये अवार्ड निक और प्रियंका दोनों को दिया गया है। ऐसे में दोनों इस अवार्ड को पाने वाली पहली जोड़ी बन चुके हैं। इवेंट के लिए जब प्रियंका रवाना हुई तो उनका कातिलाना अंदाज काबिले तारीफ नजर आ रहा था।
इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा रेड कलर के आउटफिट में नजर आईं। इस लुक के साथ प्रियंका ने किटन हील्स कैरी किए हुए थे, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग इयररिंग्स पहने हुए थे। यही वजह है कि इस लुक में प्रियंका गजब लग रही हैं। बिग बॉस 13 में नजर आएंगी राखी सावंत। राखी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है। वीडियो में राखी बता रही हैं कि वो बिग बॉस 13 में नजर आएंगी। राखी वीडियो में कहती हैं, वाओ मेरे फैंस, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। थैंक यू सलमान खान, एक गुड न्यूज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मेरे 56 छुरी सॉन्ग पर बिग बॉस में ओपनिंग एक्ट कर रही हूँ। इससे बढ़कर कोई न्यूज हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सलमान मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू कलर्स टीवी। राखी ने आगे कहा, सभी का बहुत शुक्रिया कि मैं अपना 56 छुरी सॉन्ग सलमान खान के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। पिछले कितने सीजन में मैंने सलमान खान के साथ परफॉर्म किया है। बहुत जल्द मैं रिहर्सल शुरू करूंगी, बिग बॉस के ओपनिंग एक्ट में मैं परफॉर्म करूंगी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, अब मेरे गाने को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। नानी बनने वाली है रवीना टंडन, बेटी के लिए होस्ट की बेबी शावर पार्टी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में अपनी बेटी छाया के लिए बेबी शावर पार्टी होस्ट की। बता दें कि छाया को रवीना ने साल 1995 में अडॉप्ट किया था। रवीना की बेटी छाया जल्द ही माँ बनने वाली है। इसका मतलब ये है कि रवीना टंडन कुछ ही समय में नानी बन जाएंगी। नानी बनने को लेकर रवीना बेहद खुश और एक्साइटेड हैं। बेबी शावर पार्टी में आई पूजा मखीजा नाम की एक गेस्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट पर फंक्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पूजा ने बेबी शावर की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में रवीना की तारीफ करते हुए लिखा, नानी बनने के लिए चीयर्स, रवीना आपने ये सच्चे पैशन के साथ किया। पूरी परफेक्शन और केयर के साथ अपनी अडॉप्टेड बेटी का बेबी शावर सेलिब्रेट करते देखना दिल को छू लेने वाला है। कुमकुम भाग्य में आयुष्मान ने किया फिल्म का प्रमोशन। आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा अपनी फिल्म ड्रीम गर्ल के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा सीरियल कुमकुम भाग्य में फिल्म ड्रीम गर्ल का प्रमोशन करने पहुंचे। यहां दोनों संग बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र भी थे। आयुष्मान ने अपने इंस्टाग्राम पर शो से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आप उन्हें भक्ति भाव से प्रार्थना करते और जितेंद्र संग जमकर डांस करते देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आयुष्मान संग नुसरत और कुमकुम भाग्य के अभी यानी एक्टर शबीर अहलूवालिया भी हैं। देखकर लग रहा है कि शो पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। बता दें कि फिल्म ड्रीम गर्ल एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें आयुष्मान एक ऐसे लड़के के किरदार में है जो लड़की की आवाज में लोगों से बात करता है। द स्काई इज पिंक के प्रीमियर पर स्टाइलिश ड्रेस पहनकर पहुंची प्रियंका चोपड़ा। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म द स्काई इज पिंक के प्रीमियर के लिए टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंची थी। इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने ब्राउन रंग की स्टाइलिश ड्रेस पहनी थी। सोनाली बोस भी प्रियंका चोपड़ा के साथ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पहुंची थी। देसी गर्ल ने अपने डायरेक्टर के साथ भी खूब सारी तस्वीरें खिंचवाई। अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को प्रियंका चोपड़ा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रिलीज करेंगी। प्रियंका चोपड़ा अपनी को स्टार जायरा वसीम को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ना ले जाने की वजह से ट्रोल हो रही हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने जायरा को फिल्म फेस्टिवल में ले जाना सही क्यों नहीं समझा। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।